पूरे दुनिया में लोग कई सारे ब्रांड के स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी यूज़ करते हैं जो इजीली अवेलेबल होते हैं। तो टॉप कंपनियों में से एक है सैमसंग। हो सकता है आप में से कोई सैमसंग चला भी रहा हो। सैमसंग स्मार्टफोन के अलावा फ्रिज, टीवी, एयर कंडीशनर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, आप इंट्रो से तो समझ ही गए होंगे और इंट्रो से नहीं समझे तो थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग की हिस्ट्री के बारे में, कि सैमसंग पहले क्या करता था और अब वो इतनी टॉप कंपनियों में कैसे आया। तो दोस्तों, आज के वीडियो को करते हैं यहीं पर शुरू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं सादिया की टेक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सैमसंग की हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं उसकी बात। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, ईयर 1938 में सैमसंग की एस्टेब्लिशमेंट बायुंग चुल ने की थी। बायुंग चुल को सैमसंग कंपनी का फाउंडर माना जाता है। शुरू में ये कंपनी नूडल जैसे आटा और फिश को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने का काम करती थी, लेकिन फिर उसके बाद 1950 से लेकर 1960 तक इस कंपनी ने टेक्सटाइल और लाइफ इंश्योरेंस का भी बिजनेस किया। फिर उन्होंने 1969 में टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपनी राह बनानी शुरू करी। फिर उस टाइम से ही इस कंपनी को सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम दिया गया। सैमसंग ने सिर्फ शुरुआत टीवी बनाने से करी थी। 1970 में सैमसंग ने अपना पहला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी निकाला था। टीवी बनाने के बाद ईयर 1980 में इस कंपनी ने फोन बनाने भी शुरू कर दिए थे। फोन के प्रोडक्शन के बाद इस कंपनी ने मेमोरी कार्ड और कंप्यूटर के पार्ट्स भी बनाने शुरू कर दिए थे। इसके बाद से सैमसंग कंपनी को एक नई आइडेंटिफिकेशन मिलनी स्टार्ट हो गई। इस कंपनी को इतना सक्सेस मिलने लग गया कि अमेरिका जैसे बड़े देशों में इसने प्रॉफिट कमाया। दोस्तों, यहाँ पे तो ये इसका हो जाता है, मगर एक बात समझ नहीं आई जो कई लोगों ने पूछी भी है और ज्यादा डिस्कशंस चलते भी हैं, कि बायुंग चुल ने इतने सारे फोनों में क्यों आग लगा दी जिनका वर्थ करोड़ों में था। ईयर 1995 में पहली बार सैमसंग का फोन आया था मार्केट में। तो सैमसंग ने न्यू ईयर पर सोचा कि हम लोगों को फोन देकर देखते हैं। जब सैमसंग ने अपने फोन लोगों को दिए तो कुछ यूजर्स या फिर कह लो कस्टमर्स को वो फोन पसंद नहीं आया। कस्टमर्स का कहना था कि सैमसंग के जो फोन थे वो ठीक से काम नहीं कर रहे और जो उनके फीचर्स हैं वो भी कुछ खास नहीं है। जब ये खबर बायुंग चुल यानी फाउंडर जो थे कंपनी के, जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने करोड़ों के फोन में आग लगा दी थी। इंडिया में सैमसंग की शुरुआत 1995 में हुई थी। नोएडा में ही सैमसंग कंपनी की दो मैन्युफैक्चरर यूनिटर्स लगी थी और फिर उसके बाद ईयर 2012 तक सैमसंग देश की टॉप मोबाइल कंपनियों में इन्वॉल्व हो गया। सैमसंग कंपनी के इंडिया में 1.5 लाख रिटेल आउटलेट हैं और इससे कई लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये थी जानकारी या फिर कह लो इन्फॉर्मेशन सैमसंग के बारे में। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और जाननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।